गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हरिओम, वेलकम टू मॉनी इंटरनेशनल स्कूल। मैं शुभना वर्मा, आप सभी की हिंदी टीचर, आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर पढ़ा था, मेरी अपनी हिंदी में चैप्टर नंबर 8, बूंद बूंद बचाओ। आपने ये बहुत अच्छे से एडिट कर लिया होगा, तो आज हम इसी का अभ्यास करेंगे। तो चलिए आप इसका अभ्यास निकालिए। तो देखते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे हमें कुछ हमें प्रश्न दिया हुआ है जिसके 3 ऑप्शन हैं, तो आप इस पे सही बताएंगे कौन सा है। मेरे साथ साथ आप इसको याद भी करेंगे और लिखेंगे भी। तो सबसे पहला प्रश्न है, कौन बिस्तर से उठकर मंजन करने लगा। मंजन होता है बच्चों ब्रश करना, तो कौन करने लगा था, दादाजी, अमन या पिताजी। तो बिस्तर से उठकर अमन मंजन करने लगा था, तो हम इस पे अमन पे राइट टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न है, जब कुल्ला करने का समय आया तब क्या हुआ। बताइए क्या हुआ था, पानी आ रहा था, पानी नहीं आ रहा था या पानी बूंद बूंद टपक रहा था। तो जब अमन कुल्ला करने का समय आया अमन का, तो पानी नहीं आ रहा था, तो हम इस पे यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा है, पानी हमेशा सोच समझकर खर्च करना चाहिए, क्योंकि पानी कीमती है, शुद्ध पानी की कमी है या दोनों ही बातें। तो देखिए, पानी कैसा भी हो बच्चों, हमें जो है पानी बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत कीमती होता है। तो हम इस पे पानी कीमती है पे सही निशान लगाएंगे। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, आंसर द क्वेश्चन। देखिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, टंकी का पानी सारा पानी कैसे खत्म हो गया। तो टंकी का पानी कैसे खत्म हो गया था, क्योंकि अमन ने नल बंद नहीं किया था, अमन ने नल बंद नहीं किया था, इसलिए टंकी का सारा पानी खत्म हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नहाते समय शावर या फव्वारे का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। आप में से कुछ बच्चे शावर या फव्वारे का यूज़ करते होंगे नहाने के लिए, लेकिन क्या बच्चों आपको पता है कि हमें शावर या फव्वारे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए हम इसको अपने उत्तर के माध्यम से देखते हैं। क्योंकि शावर या फव्वारे के प्रयोग से ज़्यादा पानी खराब होता है। तो देखिए बच्चों, जब हम शावर या फव्वारे से नहाते हैं तो पानी का तो हमें पता ही नहीं चलता कि कितना खर्च हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, पानी खराब हो रहा है। तो इसकी जगह हमें बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, अपनी कार या स्कूटर को पानी का पाइप लगाकर क्यों नहीं धोना चाहिए। देखिए बच्चों, आपके घरों में या आसपास अपनी कार या स्कूटर को कोई पाइप लगा के धोता होगा, तो हमें क्यों नहीं धोना चाहिए ऐसा, क्योंकि इन सभी से पानी ज़्यादा खराब होता है ना। देखिए बच्चों, पानी ज़्यादा वेस्ट होता है इससे, तो हमें इस तरह से पानी को खराब खर्च नहीं करना चाहिए। चलिए इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है, दादाजी ने अमन से कौन सी बात का हमेशा ध्यान रखने के लिए कहा। तो देखिए, दादाजी ने अमन से क्या कहा था, दादाजी ने अमन से यह बात का हमेशा ध्यान रखने के लिए कहा कि पानी की बूंद बूंद कीमती है। दादाजी ने क्या कहा था अमन से,
कि पानी की बूंद बूंद कीमती है। तो देखिए बच्चों, आपको यह सारे प्रश्न, मैं उम्मीद करती हूँ, सभी के सभी समझ में आ गए होंगे और आप इनको अपनी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी पार्ट का बाकी का अभ्यास भी कराऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।